Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG. इस चैनल में आपको 10 मिनट के वीडियो मिलेंगे NEET UG के टॉपिक के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। Kepler फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी, नेट JRF गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली, एलन करियर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, मेंटरिंग द नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम लास्ट 11 प्लस ईयर। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट है? प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। And the most important feature is unlimited access. Once you have taken the subscription, उसके बाद आप all India top educators के live classes और recorded classes anytime from anywhere access कर सकते हैं। Iconic subscription की अगर मैं बात करूँ, iconic subscription all benefits के मिलेंगे। इसके अलावा personal coach होगा, one guidance की, study planner होगा, daily का study plan होगा, bi-weekly reviews, test analysis in depth होगा, फीडबैक टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एग्जाम अप्रोच। अब अगर हम आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक में वन ईयर की फी है 45,000, टू ईयर की फी है 60,000। जैसे आप मेरा कोड यूज करते लाइव है भी आपको फी 10%, तो वन ईयर की फी हो जाएगी 4,500, ईयर की फी हो जाएगी 4,900। ध्यान रखना है प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले। अगर अभी तक आपने प्लस की बात करें, नीट यूजी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर की 30,000। जैसे आप कोड यूज करते हैं वे भी आप 10% ऑफ मिले, 1 ईयर की आपकी 400 हो जाए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आप फीचर सारे फीचर्स को ऐप के यहाँ से, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्लस का या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड ध्यान रखना है बेटा लाइव एवी, मैं आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, आज का जो हमारा टॉपिक है Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। Kepler's फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने देखना है Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। Kepler's थर्ड लॉ और लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड से रिलेट होगा। इट स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड फॉर ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस है बेटा मेजर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रीन कलर वाली ये सेमी मेजर हो गई, ब्लू वाली ये माइनर है पूरी, और इसकी हाफ सेमी माइनर। ये क्या कह रहा है, ये सन, ये प्लैनेट, जो प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पर आर क्या है, आप सेमी मेजर एक्सिस, आर इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। Kepler's थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, वी नो दैट प्लेनेट मूव्स इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। Let T be the time taken by the planet to complete one revolution, एक revolution complete, and R be the semi-major axis of the ellipse, then T square is proportional to R cube, and T square by R cube is equal to constant. The square of time period of the revolution of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. This law is known as the harmonic law or law of periods. इसमें बेटा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो आपका टी स्क्वायर होता है, उसका रिजल्ट ये आता है 4π² मास ऑफ सन टू आर क्यूब। ये बेटा यहाँ उसका मास आएगा ये जिसके अबाउट घूम, मास ऑफ सन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये प्लेनेट पे डिपेंड किसके अबाउट घूम रहा है, सन के अबाउट। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड है आपका, दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो
किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर इस पे, एक तो टाइम पीरियड डिपेंड किस पे करता है बेटा, डिपेंड ऑन, बताओ। एक तो सेमी मेजर है और मास ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट विच इट इज रोटेटिंग, अबाउट ये क्या कर रहा हो, घूम रहा हो, उसके मास पे डिपेंड करता है, प्लेनेट खुद के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो लॉ ऑफ पीरियड भी बोल। क्वेश्चन, अब केपलर थर्ड लॉ पे बेस क्वेश्चंस देख। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केपलर, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल, क्या आएगा बेटा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, टी इज पर पावर 3, ये तब आता है जब जो फोर्स है प्रोपोर्शनल एयर थी, पर मैं इस फोर्स को चेंज कर दूं, पीरियड भी क्या चेंज कर जाए, एक्चुअली मैं ऐसे निकाला हूँ कि जो फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एयर थी स्क्वायर बाय, यहाँ से स्पीड और आर में रिलेशन निकाला हो, यहाँ से स्पीड और आर में आपने रिलेशन निकाला, यहाँ से आप तो आया तो 1/√r, फिर आप यहाँ टाइम पीरियड निकाल रिसर्कुलर ऑर्बिट, वहां से रिलेशन आता है टू आर क्यू, और जनरल पाथ इलिप्स होता है, तो इलिप्स के लिए ही बात कर। अब बेटा क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू केपलर ए सैटेलाइट ऑलवेज रिवॉल्व इन एन, इसमें करता है बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस चैनल पर आपको नीट यूजी पे बेस्ड जो टॉपिक्स मिलेंगे उनके सबके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करवाए जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल्स उस पर डिस्कस किए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सब्सक्रिप्शन प्राइजेस विल इंक्रीज वेरी सून, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा रेफरल कोड है लाइव एवी, आप लाइव एवी कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप सभी एजुकेटर्स की लाइव क्लास लगा सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू।